हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले यूनिट जो आपकी है हेलोवेरकेंस हेलोवेरिन को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो आप हमें पहले हेलोवेरकेंस और हेलोवेरिन को समझने के लिए पहले सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसका मीनिंग जानना ज़रूरी होता है। उसका डिफाइन हम किस तरीके से कर सकते हैं। पहले होता क्या है कि अगर आप हेलोवेरकेंस को देखें, अगर मैं हेलोवेरकेंस के बारे में आपको बताऊँ, हेलोवेरकेंस क्या है, हमारे पास कोई भी एलिफैटिक कंपाउंड होता है। एलिफैटिक कंपाउंड जैसे मैं ले लेता हूँ CH4, ठीक है। CH4 में मैं अगर माइनस एच कर दूँ और CH4 में माइनस एच कर दूँ और उसकी जगह ये बन जाएगा एल्काइल और इसकी जगह में क्या ऐड ऑन कर दूँ, क्लोरीन या हेलोजन ग्रुप, कोई सा भी हेलोजन ग्रुप। अब आप इसको, जो ये कंपाउंड हमारे पास बना, इसको हम हेलो एल्केन्स कह सकते हैं या एल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये CH3 जो ग्रुप है इसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं और ये क्लोराइड है एल्काइल हैलाइड या एल्काइल क्लोराइड बोल सकते हैं। अभी हम इसको बोल देंगे मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब हेलोजन कौन कौन से हमारे पास, पहले हेलोजन जानने के लिए, हेलोजन को हम कभी भी डिस्क्राइब लिखते हैं, अगर हमें उसे सिंबल बनाना होता है तो एक्स में है FCl BR एंड I, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हाँ, तो हमने पहले क्या कहा कि अगर हम इसको डेफिनेशन देंगे तो आपकी बुक में पहला आपके पास लाइन है वही डेफिनेशन है इसका, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफैटिक और एरोमेटिक ग्रुप बाय हेलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। अब आप देखो, कभी भी आप एल्किल ग्रुप को जोड़ोगे, मतलब आप एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को जोड़ोगे, उसके से हाइड्रोजन हटा के एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटा दोगे और उसकी जगह क्लोरीन जोड़ दोगे या ब्रोमीन जोड़ दोगे या फ्लोरीन जोड़ दोगे या आयोडीन जोड़ दोगे तो वो हेलो एल्केन्स कहलाएगा। अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर हम किसको जोड़ दें, बेंजीन ग्रुप को, देखो बेंजीन ग्रुप को जोड़ दें और यहाँ से हम क्या कर दें, यहाँ पर एक H ग्रुप होता है H, ठीक है। अगर हम इसे H को रिमूव कर दें, माइनस H करें और प्लस Cl कर दें तो ये हमारे पास एलिफैटिक, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, तो ये हमारे पास क्या हो गया, Cl हमने एड ऑन किया इस पर, तो ये हमारे पास जो ये है इसको बोलेंगे हम हेलोएरिन्स और ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आपको पता है हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन एल्केन है, एल्केन से हमें एच को रिप्लेस किया किससे, क्लोरीन से, तो हमारे पास हेलो एल्केन्स बन गया, ठीक है। अगर हम इसे बोलेंगे तो क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। आप इतना समझे, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स क्या मीनिंग क्या है, मीनिंग समझना। अगर हम द प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाई हेलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। आप अगर एल्केन में से, सपोज दैट आप एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को ले रहे हो, उससे हाइड्रोजन हटा रहे हो और उसके साथ एक क्लोरीन एड ऑन कर रहे हो तो उसको हेलो एल्केन कहेंगे, और अगर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हो और उसके साथ क्लोरीन अटैच कर रहे हो तो उसको हम हेलोएरिन कह लेंगे। क्लियर समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, आप हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम्स अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप वेयर एज हेलो एरिन्स कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसने कहा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से वो अटैच होता है, और जो यहाँ पर हमारे पास हेलो एल्केन्स में sp3 होगा हाइड्रोजन और हेलो एरिन्स में आपके पास sp2 होगा, हेलो एरिन्स में आपके पास क्या होगा, sp2 होगा। देखो आप, अगर सपोज मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, देखो जैसे CH4 है मेरे पास, CH H और यहाँ पास Cl, तो ये क्या हो जाएगा sp3। अगर हम इन चारों को लें, चारों को कंसिडर करें तो sp3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, sp3, ठीक है। और अगर
अगर यहाँ पर, रुको मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, हाँ अगर मैं यहाँ पर आपको, अगर मैं यहाँ पर आपको सी एल ग्रुप जोड़ूंगा तो यहाँ पर ये कितने हैं, थ्री है, तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन बनाएगा, sp2। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया होगा। अगर हम हेलो एल्केन्स की बात करें, अगर हम हेलो एल्केन्स की बात करें तो हेलो एल्केन्स में sp3 हाइड्रोकार्बन होगा, और अगर हेलो एरिन्स की बात करें तो इसमें sp2 हाइड्रोकार्बन होगा। क्लियर आया समझ में, इतना समझ में आया। मैनी हेलोजन कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन नेचर एट सम ऑफ दीज क्लिनिकल यूजफुल, दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड वाइड एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्री एज वेल एज डे टू डे लाइफ। अब जो भी हमारे पास ये कंपाउंड है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन, इनको इंडस्ट्रियल वर्क में भी यूज़ किया जाता है, और जो हमारा डेली वर्क है, डे टू डे लाइफ का जो भी हमारे पास सामान है, जो भी हमारे पास कोई भी चीज़ आती है केमिकल रिलेटेड, उसमें ये मौजूद रहते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन, ठीक है, दीज क्लासेस ये आपके पास था। दे आर यूज एज सॉल्वेंट रिलेटेड नॉन पोलर कंपाउंड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस माइक्रो इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइल फीवर। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर देखो ध्यान से, हम अगर इसको पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या क्या है, इसने कहा है, देखो सॉरी, हाँ यहाँ देखो, दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स फॉर रिलेटिव नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, ये क्या, ये सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, अगर नॉन पोलर कंपाउंड है तो उसके लिए कौन सा यूज़ होता है, सॉल्वेंट कंपाउंड, एंड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है कोई भी, उसकी ज़्यादा रेंज बनानी है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में उसको बनाना है, तो इनका यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगला लिखा है, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स क्लोरामीफेनिकॉल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। अब देखो यहाँ पर एक क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक है, क्लोरोफेनिकॉल है, इसको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसमें ट्रीटमेंट किसका ट्रीटमेंट करते हैं, टाइफाइड का फीवर का ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, आर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरोक्सिन द डिफिशियंसी ऑफ विच कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड गॉइटर। अब आपने देखा होगा कहीं कि गले में होता है गॉइटर, तो गॉइटर की वजह से गला थोड़ा सा मतलब गले में सूजन टाइप की आ जाती है कुछ, तो उसका उसमें भी आवर बॉडी, इसमें इसने कहा है कि जो थायोक्सिन होता है, थायोक्सिन कंटेनिंग हार्मोन, थायोक्सिन कंटेनिंग हार्मोन, यहाँ पर इसने स्टेटमेंट दिया, आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। ठीक है, हमारी बॉडी एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन प्रोड्यूस करती है, थायोक्सिन, जिसको जो कि क्या है, जिसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, डिजीज होती है गॉइटर। ठीक है, सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड क्लोरोक्वीन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया। अब जो क्लोरोक्वीन होता है, क्लोरोक्वीन जो होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, मलेरिया के लिए। हेलोथेन इज यूज एज एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। अब जैसे हमें एनेस्थीसिया, सपोज हमें किसी पार्ट का ऑपरेशन करना होता है तो उस पार्ट को हमें पहले सुन करना होता है, तो उसके लिए एनेस्थीटिया का यूज, एनेस्थेटिक कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं, जो भी एनेस्थेटिक कंपाउंड होता है, जो हमें सर्जरी के टाइम उसको पता ना चले कि उसको पेन कितना हो रहा है, उसको पेन का रियलाइजेशन ना हो, इसकी वजह से हम इनको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक हेलोथेन होता है, हेलोथेन, उसको यूज़ करते हैं हम सर्जरी के दौरान। ठीक है, एनेस्थेटिक के रूप में। ठीक है, सर्टेन फुली फ्लोरोनेटिक कंपाउंड आर बीइंग कंसिडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट इन सर्जरी। अब इसमें क्या लिखा है, सर्टेन फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड आर बीइंग कंसिडर्ड एट पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट इन। अब यहाँ पर सर्टेन फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, फ्लोरिनेटेड मतलब जिसमें फ्लोरिन मौजूद होगा वो कंपाउंड है। ठीक है, कंसिडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट। अब जैसे हमें ब्लड सब्स्टिट्यूट के तौर पे अगर हमें सर्जरी के टाइम हमें ब्लड सब्स्टिट्यूट के लिए चाहिए, तो हम इनको जो ये फ्लोरिनेटेड कंपाउंड होते हैं उनको यूज़ करते हैं हम। ठीक है, ये इसमें कह रहा, मतलब इसमें अगर हम डायरेक्टली इस पैराग्राफ का अगर ब्रीफ, अगर एक सेंट्रल आइडिया लें, तो हमारे यहाँ पर क्या दिया है, हमें यहाँ पर डेफिनेशन दिया था और उसका यूजेज दिया था। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से देखें तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन हेलो एल्केन की क्या है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज़, मतलब हमें अगर हेलो हम
हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है और हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ रहा है, तो उसको हम हेलो एल्केन्स, अगर एलिफेटिक है तो हेलो एल्केन कहेंगे, अगर एरोमेटिक है तो हेलो एरिन्स कहेंगे। ठीक है, अब इसमें यूजेस दिए थे हमें, एक हमें दिया था जैसे एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है, जैसे मलेरिया का यूज़ है हमारे पास क्लोरोक्वीन है, जैसे हमारे पास ये पोटेंशियल ब्लड सब्सटीट्यूट था, फ्लोरिनेटेड कंपाउंड था, हमारे पास एक क्लोरोक्वीन था, क्लोरोक्वीन तो हमने बता दिया, जैसे थायोक्सिन था जो गोइटर का, जिसकी डिफिशेंसी वैसे गोइटर होता है, थायोक्सिन। ठीक है, और एक था क्लोरोमफेनिकॉल वो था, उसके बारे में आपको दिखा होगा। ठीक है, अब हमें इसके इसमें क्या पढ़ना है, हमें इसमें पढ़ना है इनका फिजिकल और केमिकल पर्पस, किन दोनों का, हेलो एल्किन्स और हेलो एल्केन, सारा चीज़ इसमें डिस्क्राइब होगा। ये आपका इंट्रोडक्शन था, आपको कैसा लगा इसके बारे में जानने के लिए, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स मिलेगा उस तरीके से मैं आपको इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊँगा और आप इसको देख सकते हैं, फिर आगे मैं आपको दूंगा, जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स मिलेगा मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास में जो आपके पास होगा, जो मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको इसका कंटेंट समझाऊंगा। ठीक है, आपको ये इसमें अगर हम जनरली अगर आपने इसमें देखा होगा, इसमें केवल इतना बता रखा है, एक इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, इसकी डेफिनेशन अगर आप इसको प्रॉपर रीड करोगे, डेफिनेशन है, और दूसरा है इसका एग्जांपल्स। ठीक है, ये हमें आज पढ़ा है, डेफिनेशन और एग्जांपल्स। ठीक है, आपको जिस तरीके से लगेगा, आप एक्चुअली क्या होता है, हमारी रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट्स की वजह से हमें काफ़ी सीखने को मिलता है। ठीक है, हम कई चीज़ें स्किप, अगर हमारे पास रीडिंग हैबिट होगी हम बहुत सारी चीज़ें स्किप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास बेसिक्स बनाने के लिए, इसका बेसिक बनाने के लिए, केमिस्ट्री का बेसिक बनाना है तो अगर हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।